हेलो बच्चों, मैं हूं आरके सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहस करने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि गुलाम सलाह और SHM के एक और रिश्ता को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्लस इस न्यूमेरिकल को हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का ये है, मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है, क्यू और क्यू, ये फिक्स है। ठीक है, ये दोनों चार्जेस फिक्स है, है ना। अगर सोचिए ये दोनों चार्जेस फिक्स है तो इसमें किस तरह का सवाल हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये दोनों चार्जेस हमारे फिक्स हैं। किसी ने अगर आपसे पूछा कि वो जगह बताइए, किसी ने आपसे पूछा कि वो जगह बताइए जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अगर किसी ने आपसे पूछा कि वो लोकेशन बताइए जहां पे कि किसी भी तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा, तो आप बताइए इस पूरे लाइन में हम कहां पे चार्ज रखेंगे कि नेट फोर्स जीरो होगा, तो वो आप जानते हो, वो मिड होगा, है ना। लॉजिक को आप सेट कर चुके हो, वो मिड होगा, इसका भी मिड और इसका भी मिड। ये वो जगह है जहां पे कोई भी थर्ड चार्ज नेट फोर्स जीरो महसूस करेगा, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्लस है या माइनस है, है ना। क्योंकि अगर प्लस है तो ये दोनों मिलकर धक्का मारेंगे, तो देखो धक्का इधर से, ये इधर से धक्का लगाएगा और इधर से धक्का, एंड दो धक्का विल बी सेम, है ना। उसी तरह से अगर ये बीच वाला माइनस है तो ये इसमें प्यार जताएगा, तो ये भी प्यार जताएगा, दोनों तरफ से इसको इक्वल अट्रैक्शन मिलेगा, तो भी नेट फोर्स जीरो होगा। मतलब ये वो जगह है जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा, ये वो जगह तो जरूर है जहां पे आप किसी भी चार्ज को रखो तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। यहां पे कोई भी चार्ज को आप रखोगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, वेदर दिस मे बी प्लस और माइनस। लेकिन सोचो, आपको पता है प्लस रखने से यहां का सिचुएशन थोड़ा अलग है और माइनस रखने से यहां का सिचुएशन अलग है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, अगर आप यहां पे प्लस रखते हो, ध्यान दो, अगर आप इन दोनों चार्जेज के बीच में प्लस रखते हो तो आप चाहते हो कि ये ऑसिलेट करे, तो आपको इसको किधर की तरफ डिस्प्लेस करना चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट जो करवाना है तो आपको एक्स में करना है या वाई में। तो ध्यान से देखियो, अगर आप इसको एक्स में डिस्प्लेस करोगे तो ये SHM परफॉर्म कर सकता है या ऑसिलेशन परफॉर्म कर सकता है। सोचो कैसे, देखो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दो, ध्यान से देखो, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को, देखो मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम कर रहा हूं, ये आपका क्यू था, यहां नेट फोर्स जीरो था, लेकिन अगर आपने इस चार्ज को यहां ले आया और ये चार्ज यहां से यहां आ गया, तो बताइए ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, है कि नहीं, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा। कुछ लोग बोले सर क्यों, अरे बेवकूफो, चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये कम फोर्स लगाएगा और ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो बताइए इस चार्ज पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे नेट किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो आपने ध्यान दिया, हमने डिस्प्लेस किया इधर लेकिन नेट फोर्स लगा इधर, है ना। उसी तरह से सोचो, अगर आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो ये ज्यादा धक्का लगाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया इधर तो नेट फोर्स लगेगा इधर। मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज को आप थोड़ा सा बोलोगे कि जा कबूतर जा, समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसा नहीं लेंगे, ये बात जान लीजिएगा, ये कबूतर नहीं जाने वाला है, ये फिर वापस आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए ये चार्ज क्यों इस कबूतर को बोलेगा जा वापस घर जा, है कि नहीं, तो ये वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ आएगा, है ना। तो यानी ये चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे SHM परफॉर्म करेगा। लेकिन जरा सोचो, क्या यहाँ ये SHM को परफॉर्म किया, लेकिन क्या इस चार्ज क्यू को अगर हम लोग इस लाइन में डिस्प्लेस करते तो SHM परफॉर्म करता, बिल्कुल नहीं। सोचो क्यों, आप ही खुद सोचो, अगर यहाँ पे हमारे दो प्लस चार्जेस है, ध्यान से देखो ये भी एक प्लस चार्ज है, ये भी एक प्लस चार्ज है ना, और अगर आप सोचो ये भी एक प्लस है, ये भी एक प्लस है, और अगर आप यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखे हो, अगर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर दिए तो बताओ क्या होगा, ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा, और ये वाला चार्ज इधर की तरफ धक्का लगाएगा, है ना। तो दोनों धक्का ऐसे और ऐसे जाएंगे, तो नेट फोर्स बताइए किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो बताइए आपने ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, फोर्स भी ऊपर की तरफ लग गया, मतलब ये अब कभी भी मीन पोजिशन में आने वाला नहीं। इधर देखो कैसे, मान लो कि ये चार्ज को आपने यहां लिया है, ठीक है, तो देखिए ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुने, पॉजिटिव चार्ज विल परफॉर्म ऑसिलेशन, ठीक है, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, विल परफॉर्म ऑसिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों होगा, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसको स्लाइट डिस्टर्बेंस करेंगे तो ये किधर की तरफ परफॉर्म करेगा ऑसिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियोस में भी मैंने यही बताया था। लेकिन जरा सोचो, तब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, है ना, तब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दूं। ऐसा आप इस सिचुएशन को समझो, समझो कि इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड एक नेगेटिव चार्ज है, और मेरे मुंडी को आप क्या मानोगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
सोचो, अभी मेरे मुंडी को दोनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, है ना। तो इधर का पॉजिटिव चार्ज मेरे मुंडी को बुला रहा है, जा आ इधर, और ये भी इधर, लेकिन नेट फोर्स क्या है? जीरो। लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने इस मुंडी को अलोंग एक्स थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो ठीक है, अगर मैंने इधर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हुआ है? अलोंग एक्स, है ना। तो अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है ये एक्स की तरफ, तो बताइए इस चार्ज के नजदीक आ गया। तो बताइए ये चार्ज तो पहले ही मुझे बुला रहा था, अब थोड़ा सा ज्यादा फोर्स से बुलाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब मेरा मुंडी को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, लेकिन मेरा मुंडी वापस मीन पोजीशन पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस चार्ज को जिधर की तरफ डिस्प्लेस किया है, नेट फोर्स भी उधर ही तो है कि नहीं। तो बताइए मेरा मुंडी अब, मेरे समझ में आ रहा है ना, मेरा मुंडी कट के अब धीरे धीरे उधर की तरफ डिस्प्लेस होगा। मतलब ये ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कि आप मुंडी को अगर इधर की तरफ डिस्प्लेस करोगे इधर कट जाएगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस करोगे इधर मुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप इस निगेटिव चार्ज को, अगर इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके मैं बताऊं, तो ध्यान से देखिए ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो सोचिए यहाँ पे तो दोनों अट्रैक्ट है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने इसी निगेटिव चार्ज को इसके मीन पोजीशन से थोड़ा इधर कर दिया, तो बताइए क्या होगा? ये भी अट्रैक्ट करेगा तो इसका फोर्स मस्कुलर होगा, और ये भी अट्रैक्ट करेगा इसका फोर्स वीक होगा। तो बताइए नेट फोर्स किधर होगा? इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगी। सिमिलर सिचुएशन अपोजिट में भी वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो देखिए मैंने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया था, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग गया। तो करेगा बिल्कुल नहीं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे एक क्यू है, यहां पे एक क्यू है और एक चार्ज यहां पे, अगर मैंने इसको यहां पे रखा तो नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर इस माइनस क्यू चार्ज को मैंने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा हावी हो जाएगा और इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन इस माइनस क्यू पे ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसको जिधर की तरफ डिस्प्लेस किया, फोर्स भी उधर की तरफ ही है। तो बताइए ये कभी SHM परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव चार्जेस कभी भी एक्स एक्सिस के अराउंड SHM परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जरा चलिए हम लोग सोचते हैं, तब क्या होगा अगर इस निगेटिव चार्ज को वाई एक्सिस में हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस निगेटिव चार्ज को वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करते हैं, तो मान लीजिए कि इस निगेटिव चार्ज को यहां से मैंने यहां रख दिया, इस माइनस क्यू को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस माइनस क्यू के, समझ में आ रहा है, चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है, इसके चाहने वाले दो लोग हैं, ये चाह रहा इधर आ जाए, ये चाह रहा इधर आ जाए। अब ये क्यू कंफ्यूज, हम किधर जाए? तो आप जानते हो ये किधर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ वापस जाएगा। तो आपने ध्यान दिया, अगर माइनस क्यू को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है। और आप ऐसा, लेकिन अगर यही पॉजिटिव होता तो नेट फोर्स ऐसे और ऐसे लग के ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होता, जबकि ये निगेटिव है, इसलिए ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? नेट फोर्स। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे है। जरा सोचो, तब क्या होता अगर हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते? अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो बताइए फिर नेट फोर्स किधर होता? ऊपर की तरफ। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे एक माइनस क्यू, अगर आप इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे, तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो ये चार्ज किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। और अगर आपने सोचो इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस माइनस क्यू चार्ज को अलोंग वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करोगे, तो ये SHM परफॉर्म कर सकता है। वेरी गुड। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया, हम लोग एक चीज समझ गए हैं कि अगर आपको SHM परफॉर्म करवाना है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको SHM परफॉर्म करवाना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो कौन सा चार्ज रखने की जरूरत है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर आपको SHM परफॉर्म करवाना है अलोंग वाई एक्सिस, तो कौन सा चार्ज रखने की जरूरत है? नेगेटिव चार्ज। ये बात हम लोग समझ चुके हैं, मुझे लगता है ये बात आपको भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब जरा देखते हैं, अब हमारा अगला टारगेट है नेगेटिव वाई एक्सिस को लेकर, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का SHM का न्यूमेरिकल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। वेरी गुड। चलिए तो जरा ध्यान से समझते, इसको थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा। देखो, अच्छा मान लो कि मैंने एक इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा, मैं इसका SHM निकालने की कोशिश करूंगा। अच्छा एक चीज याद रखो, अगर आप किसी चीज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जरा सा छेड़ते हैं, वो फिर गाली गलौज करेगा, तो उसका गाली गलौज से हमें पता चल जाता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसी तरह से अगर आप किसी चार्ज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, या किसी भी पार्टिकल का, तो उसके मीन पोजिशन से उसको थोड़ा सा स्लाइड
डिस्प्लेस करो, जब वो उसको आप स्लाइड डिस्प्लेस करोगे तो वो मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा, तो उससे आप एक कैलकुलेट कर सकते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे SHM का बात नहीं करेंगे, हम पूरे कंसेप्ट का बात करेंगे, इसलिए इस एक न्यूमेरिकल को ही हम लोग आज एक टॉपिक की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे, ठीक है। तो जिन लोगों को भी फास्ट लग रहा हो वो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए कि हम इस गेम को समझते हैं, तो देखिए ये हमारा एक क्यू चार्ज है, ये भी हमारा एक क्यू चार्ज है ना, तो ये हमारे दो क्यू चार्जेस हैं, है ना। अच्छा सोचिए अगर एक माइनस क्यू चार्ज यहां होता, ठीक है, तो इसमें कितना फोर्स लगता। तो चलिए सारे डिस्टेंसेस हम दे देते हैं, ए ए एक्चुअली ये टोटल टू डी टू है, तो ए ए और ये है हमारा वाई, है ना। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें भी एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना, ये चार्ज इसको याद कर रहा है अपनी तरफ बुला रहा है, ये इसमें भी फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये भी चार्ज याद कर रहा है अपनी तरफ बुला रहा है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, होंगे कि नहीं। तो अगर आप इस फोर्स के कंपोनेंट को देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट देखो, अगर आप इस फोर्स को देखोगे ये वाला फोर्स तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, और इस फोर्स को भी देखोगे तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, होंगे कि नहीं। और आप देखोगे तो सोचो इसका एक कंपोनेंट, तो अगर आप यहां से एंगल बनाते हो थीटा, ध्यान से देखो आप थीटा लेते हो, तो आप कुछ लोग बोलोगे सर थीटा कैसे लेंगे, दिखाता हूं मैं, ये वाई एक्स वाई है, ठीक है, थीटा डिस्प्लेस किया वाई। तो देखो अगर आप इस एफ को देखोगे तो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट कहलाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो हमारा कहलाएगा सॉरी एफ साइन थीटा कहलाएगा, है ना, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो हमारा कहलाएगा f cos थीटा। अच्छा उसी तरह इसका f का देखोगे इसका भी दो कंपोनेंट होगा f cos थीटा और ये क्या होगा f sin थीटा। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो क्या, अच्छा ये दोनों f सेम है कि अलग है, अरे मूर्खों ये दोनों f सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि चार्जेस भी सेम है, ध्यान से देखो इसका इसका चार्ज और इसका इसका चार्ज भी सेम है, और डिस्टेंस भी देखोगे तो ये डिस्टेंस सेम है। तो ध्यान से देखो ये f ने इस f को मार दिया तो कितना f बचा, नेट फोर्स नीचे की तरफ बचा, और आप खुद जानते हो कि अगर दो फोर्स, एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी रिजल्टेंट किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, है ना। तो अब इसका नेट जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और वो फोर्स हमारा क्या होगा 2f cos थीटा होगा, है कि नहीं। अगर किसी को भी डाउट है तो बिंदास होकर पूछिए, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए तो ये हमारा हो गया 2f cos थीटा। अच्छा सर चलिए अब देखिए ये तो हमारा निकल गया 2f cos थीटा, तो मतलब इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगा है, तो अगर आप इस चार्ज के एक्सप्रेशन पे देखोगे तो जो नेट फोर्स लगा है उसको हम लोग लिखेंगे 2f cos थीटा, है ना। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स का एक्सप्रेशन। लेकिन अब सवाल है कि इन वैल्यूज को कैसे निकाला जाए, तो अगर आप इस वैल्यूज को निकालने में इंटरेस्टेड हो तो देखो मैं इस वैल्यूज को कैसे निकालता हूं, जरा ध्यान से लिखना। तो 2 तो लिखेंगे, f की जगह क्या लिखेंगे, आप जरा सोचो, आप इतने बुढ़ भक्त तो नहीं हो, f की जगह मैं लिखूंगा k, है ना, k कौन सा k, समझ गए होगे, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कूलम्ब्स वाला कांस्टेंट वाला, ठीक है, k लिख दिया, q1 q2, तो q q, कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो माइनस क्यू है, अरे बेवकूफो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए सिर्फ साइन साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो k q q बाय डिस्टेंस, अच्छा इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी r के जगह पे क्या लिखेंगे, तो k q q1 के जगह q, q2 के जगह q, r के जगह क्या लिखेंगे ये वाली। अब सवाल है कि ये कैसे निकल रहा है, अच्छा आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, तो देखो ये ट्राइंगल को देखो, तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये तो आपका a है, ये आपका y है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये वैल्यू होगी इसका स्क्वायर, तो अगर आप मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, आप लोग 10 पास हो ना सारे लोग, सबके पास सर्टिफिकेट है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया 2kqq by a square plus y square, तो ये f का वैल्यू आ गया हमारे, है ना। और आप ध्यान से देखो ये cos थीटा को देखो, तो अगर आप इस cos थीटा को देखोगे तो cos थीटा क्या होगा हमारा, बेस by hypotenuse, तो बेस की जगह हम लोग y लिखेंगे और hypotenuse की जगह क्या लिखेंगे, root under a square plus y square, है ना। तो ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, एकदम क्लियर, अच्छा सर बहुत अच्छा। सो ये है हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ लोगों को डरावना लग सकता है, बिल्कुल नहीं डरना, आपको मैं पूरा फील करा दूंगा, बिल्कुल नहीं। देखिए ये हो गया हमारा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन, आई होप कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कहानी को और आगे देखते हैं। तो ये हमारा 2f के जगह k q q, ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, cos थीटा का भी एक्सप्रेशन आ चुका है। चलिए अगर इस पूरे कहानी को हमने देखा तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस फोर्स को। देखिए अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर ये चार्ज को हम लोग यहां रखते
तो क्या होता, तो नेट फोर जीरो होता। इसका मतलब देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी थी, जीरो। तो हम लोग इसको केस में तोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम केस में देखते हैं इसको, ठीक है। हम लोग किसमें देखेंगे, केस में, ठीक है। तो देखिए ये केस है और ये उसका पूरा मुंडी है, ये मुंडियों का केस है। एक मुंडी में बहुत सारे केस हो सकते हैं, ये सफेद केस है। हम लोग मतलब उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो केस में, तो अगर आप वाई की वैल्यू जीरो लोगे तो आपको फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो, है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू जीरो लोगे तो फोर्स का वैल्यू जीरो मिलेगा। लेकिन जरा सोचो तब क्या होगा अगर हम केस टू की बात करें, y इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना। तो जब आप y की वैल्यू इंफिनिटी लोगे तब भी आपका फोर्स जीरो आएगा। सोचो क्यों, ध्यान से देखो, टू के क्यू ये तो कॉन्स्टेंट है, y है। लेकिन ये देखो y तो आपका बहुत बड़ा वैल्यू है ना, तो a को आप इग्नोर करोगे तो y स्क्वायर, यहाँ पे y आएगा, तो y बाई y क्यूब आएगा। तो y बाई y क्यूब में नीचे क्या बचेगा, 1 बाई y स्क्वायर। अच्छा नीचे वाला ऑर्डर ज्यादा है y का और ये इंफिनिटी है, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी टेंडिंग टू क्या होगा हमारा, जीरो। मतलब यहाँ पे भी फोर्स टेंडिंग टू जीरो होगा। मतलब ये चार्ट पे यहाँ भी फोर्स जीरो लग रहा है और यहाँ भी फोर्स जीरो लग रहा है, इंफिनिटी में भी फोर्स जीरो लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हर जगह पे फोर्सेस जीरो है, ना मुन्ना ना। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ धीरे धीरे फोर्सेस बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और फिर एक लिमिट के बाद फिर ये क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब तुम सोचो कि अगर कोई चीज जीरो है, मान लो जीरो, और इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जीरो हो सकता है, ठीक है। बाकी जगह तो ये कुछ ना कुछ तो वैल्यूज देगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो से धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ा है, बढ़ता चला गया है और फिर जीरो हुआ है। मतलब बीच में कहीं ना कहीं ये वैल्यू मैक्सिमम हुआ होगा। तो कभी ये बढ़ा है ये वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये बढ़ा है मैग्नीट्यूड, तो उसके बाद एक जगह ऐसा आया होगा जहां पे ये फोर्स मैक्सिमम रहा होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, ये फोर्स फिर से घटने लगा होगा। और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली तो फील भी कराता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, इसको और फील कराता हूँ इन दोनों एग्जांपल्स को। देखिए आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे 2f cos थीटा को, तो शुरू में देखिए, ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे थोड़ा सा इसको और भी दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। आप जितना ज्यादा फील करोगे आपके लिए उतना अच्छी बात है, ठीक है। ये सब चीज और एक बात बता रहा हूँ, जो लोग सीबीएसई के लिए सोच रहे हैं वो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आप सोचिए, मान लीजिए कि ये चार्ज हमारा यहाँ था, है ना, ये माइनस की यहाँ था, तो देखिए यही वाला एंगल थीटा था। आप ध्यान से देखिए, ये चार्ज के मूवमेंट से ये एंगल बदलता है। आप सोचिए अगर इस चार्ज को आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये एंगल थीटा कम होगा, है ना, और ऊपर ले जाओगे तो ये एंगल थीटा और कम होगा, और यहाँ पे ले आओगे तो ये एंगल थीटा सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, 2f cos थीटा, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि cos थीटा, थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे देखो थीटा 90 डिग्री है, तो यानी यहाँ पे थीटा इस वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है, तो थीटा ने इसको पूरे टर्म को जीरो कर दिया, ठीक है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, तो cos थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, cos 90 डिग्री जीरो। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो और यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे ये बेचारा जीरो था, ये जीरो था, ये मैक्सिमम था, लेकिन किसी काम का नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ये वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू तो बढ़ते जाता है और ये वैल्यू घटेगा। क्यों घटेगा, f की वैल्यू, f की वैल्यू इसलिए घटेगी क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस घट रही है। तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है ना, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक है। तो आप देखो, अच्छा तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और एक अच्छा अब आप सोचो इन्फिनिटी में क्या हुआ, तो इन्फिनिटी में ये वाली वैल्यू तो जीरो होगी। ध्यान से देखो, इन्फिनिटी 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 मतलब ये वैल्यू तो जीरो होगी, तो इन्फिनिटी में ये तो वन हुआ, लेकिन चूंकि इन्फिनिटी में ये डिस्टेंस इतना ज्यादा था जिसके कारण फोर्स जीरो हो गया, तो इन्फिनिटी में फोर्स ने सपोर्ट नहीं किया और सेंटर में थीटा पार्ट ने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए ये वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन जरा सोचो अगर आप देखोगे दो नंबर का प्रोडक्ट करते हो, एक नंबर बढ़ रहा है दूसरा नंबर घट रहा है, तो आप ध्यान से देखो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी मैक्सिमम। उसी तरह से आप यहां पे सोचो, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो एक ऐसा भी पॉइंट कहीं ना कहीं है जहां पे फोर्स मैक्सिमम हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो ये हमारा दूसरा आइडियोलॉजी है जिसके हेल्प से ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट में भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए वो पॉइंट कौन सा है जहां पे फोर्स मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ को ट्राई करते हैं, है ना। तो आप इस ग्राफ को देखिए, ध्यान से देखिए, तो इस ग्राफ को देखिए, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया और ये हमारा ये हमारा वाई है ना। क्यों, क्योंकि आप इस चार्ज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगा, ये हमारा क्यू था, ये हमारा क्यू था कि नहीं था, ये हमारा क्यू, ये हमारा क्यू। अच्छा आप जरा सोचिए, ये क्यू आपने जब इस चार्ज को वाई प्लस की तरफ डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा था, माइनस की तरफ, है ना।
तो देखिए वाई और फोर्स के बीच में कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव है, तो जिस समय वाई होगा प्लस फोर्स होगा माइनस, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट ऑक्यूपाई करेगा, है ना, जिस समय वाई होगा प्लस उस समय फोर्स होगा माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट, और जिस समय वाई होगा माइनस उस समय एफ क्या होगा, प्लस की तरफ होगा, तो ये हमारा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट को ऑक्यूपाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सब चीज क्लियर है, क्वाड्रेंट पे हम फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, तो देखिए ये हमारा लाइन होगा। अब ग्राफ को समझिए, अच्छा एक बार बताइए, y इज इक्वल टू जीरो पे भी फोर्स जीरो है और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी फोर्स जीरो है, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो यहाँ भी फोर्स जीरो, यहाँ भी फोर्स जीरो, तो ये ग्राफ कभी ना कभी फोर्स बढ़ रहा था और फिर कहीं ना कहीं जाके ये फोर्स घटने लगा है कि नहीं, तो देखिए आप इसको देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, सो दिस विल बी योर ग्राफ, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा आप इतना ही नहीं, आप इस ग्राफ को इधर भी एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा एकदम सिमिलर पैटर्न से चलेगा ये ग्राफ, तो ये ग्राफ इधर भी आइडेंटिकल होगा, ठीक है, तो देखिए ये पिक्चर थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, तो देखिए ये ग्राफ, तो ठीक है, अब देखिए तो यही है हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम वाई बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम वाई बढ़ा रहे हैं फोर्स हमारा बढ़ता जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे फोर्स क्या होता है मैक्सिमम, यानी इसके बाद फिर फोर्स क्या होने लगता है, घटने लगता है, तो उसके बाद फिर से फोर्स, तो देखिए मान लीजिए ये वो पॉइंट है यहाँ पे, तो अब हमारा अगला टारगेट ये भी हो सकता है कि ये वो कौन सा वैल्यू है, ठीक है, एक तो यहाँ पे सवाल हो सकता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, और अगर ये चार्ज उस पॉइंट में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस जगह पे अगर आप चार्ज को रखोगे तो वो चार्ज सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन भी उसी पॉइंट पे एक्सपीरियंस करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स फॉर अ गिवन मास, वेरी गुड, तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा, है ना, तो इसमें दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, बताइए वो कौन सा जगह है, तो ध्यान से सुनिए आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये सवाल पूछा जा सकता है, ये क्यू है, ये क्यू है, है ना, तो ये क्यू, तो क्वेश्चन नंबर वन, तो क्वेश्चन वन यहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, तो देखिए क्वेश्चन वन में ये पूछा जा सकता है कि इस वाई एक्सिस में वो कौन सा जगह है जहां पे नेट फोर्स मैक्सिमम होगा, तो देखिए यहाँ तो जीरो था, इन्फिनिटी था, तो कोई तो एक जगह होगा ना, सो वी नीड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट, तो वो वाई, अगर वो वाई मिल जाएगा तो वाई का वैल्यू पुट करके हम वो एफ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स भी आपका मैक्सिमम है, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जहां फोर्स मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन सवाल होता है कि यहाँ पे फोर्स निकलेगा कैसे, वो जगह पे कैसे निकलेगा, है ना, तो अगर ध्यान से देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे जैसे यहाँ वाई में चेंजेस ला रहे हो, ध्यान से देखो, आप जैसे जैसे वाई में चेंजेस ला रहे हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, है ना, फोर्स का क्या बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, मतलब यहाँ, अच्छा देखो तो इस केस में, तो देखो इधर डीएफ बाई डी वाई, ध्यान से देखिए यहाँ पे डीएफ बाई डी वाई क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डीएफ बाई डी वाई इसमें जीरो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को देखोगे ये एक्चुअली वेक्टर का कर्व है, ठीक है, तो आपको इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ा रहे हो फोर्स भी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू y पॉजिटिव आएगा। अच्छा जहां पे ये मैक्सिमम है देखो वहां पे ये स्लोप जो है df by dy, ध्यान से देखो वहां पे ये स्लोप क्या है, df by dy की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां पे कोई भी चीज मैक्सिमम होता है वहां पे स्लोप क्या होता है, जीरो, क्यों, क्योंकि वो बढ़ के फिर घटना है, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, टर्निंग पॉइंट तो होने ही चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो जगह है जहां पे df by dy जीरो होगा। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और जहां पे विद रिस्पेक्ट टू y, जिस y में ये वैल्यू जीरो आएगा, तो अगर आप इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, df net by dy इक्वल टू जीरो करोगे, तो मैं उतना सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू a बाई रूट टू, और आपको ये वैल्यू याद नहीं रखना है, इसको मैं जब रिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये रिजल्ट इतना खास है, इस तरह का रिजल्ट बहुत खास है, इसलिए ये रिजल्ट पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, तो डी एफ वाई इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, ठीक है, तो देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो ए बाई रूट टू, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आएगा, और ये रिजल्ट इतना कॉमन है कि आपको याद हो जाएगा, तो इसलिए आपको याद नहीं रखना है, ये भी आपको बार बार ये रिजल्ट आएंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, रिंग में ये रिजल्ट मैं आपको रटवा दूंगा, सो बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप बस कंसेप्ट समझिए, ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू a बाई रूट टू रखोगे तो ये चार्ज आपका मैक्सिमम फोर्स महसूस करेगा, तो ये एक इस तरह का सवाल आ सकता है, आपको पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ f मैक्सिमम, तो आप निकाल सकते हो y की वैल्यू a बाई रूट टू पुट कर दो, या फिर कोई पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a मैक्सिमम, तो चार्ज का फोर्स पता चल चुका है, मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। अच्छा
और दूसरा सवाल इसमें कैसा आ सकता है, ध्यान से देखो। अगर आप इस कर्व को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा, इस कर्व को यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आप इस कर्व को जूम करो, तो अगर आप इस कर्व को जूम करोगे तो फोर्स वर्सेस वाई कर्व देखो कुछ ऐसा आ रहा है, ये कर्व याद दिला रहा है स्प्रिंगिनेस जैसा कुछ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व बता रहा है कि अगर आपने किसी भी चार्ज को ठीक है प्लस वाई में धकेला तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, निगेटिव की तरफ है ना, और अगर इधर की तरफ आपने वाई डिस्प्लेस किया चार्ज को तो फोर्स उधर की तरफ लगेगा। मतलब इस रीजन को आप देखोगे ठीक है तो यहाँ एकदम, और वो खास बात क्या है, ये रीजन में देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, मतलब इस रीजन में क्या हो सकता है, SHM हो सकता है ना। एक चीज और ध्यान देंगे, SHM और ऑसिलेशन में बहुत अंतर है ठीक है। अब जरा मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनिए ठीक है, देखो अंतर क्या है, ध्यान से सुनिए। अच्छा आप सोचो, खुद सोचो, ये हमारा क्यों, ये क्यों है ना, सोचो, वेरी गुड। कुछ लोग बोलेंगे सर सोचना बंद हो गया है, इतना लंबा न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल नहीं टेंशन मत लेना। अच्छा देखो, अगर आपने इस चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, वाई नेग्लिजिबल नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ माइनस क्यों। अगर आपने इस चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया जिसमें वाई ठीक ठाक वैल्यू है तो ये दोनों अट्रैक्ट तो करेंगे, मतलब ये अपने घर को आएगा, ये अपने घर को आएगा, लेकिन उसका फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो फोर्स और वाई के बीच में कोई सीधा रिश्ता आप फिरिया नहीं सकते। और आप जानते हो कि जब फोर्स और वाई के बीच में सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस तरह के रिश्ता को हम लोग SHM भी नहीं करते हैं। सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, माइनस के साथ, माइनस एंड पहले ही हम लोग बता चुके हैं, तो सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए था, करना चाहिए था नहीं, तो सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप वाई का ठीक ठाक वैल्यू लोगे तो फोर्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं आएगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बदल जाएगा है ना, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन सोचो तब क्या होगा, अगर आपने वाई को बहुत ही छोटा लिया, मान लो इस चार्ज को हमने इतनी थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये वहां पे वाई की वैल्यू क्या है, मच मच स्मॉलर देन ए है, जरा सोचो। तो अगर आपने वाई की वैल्यू मच मच स्मॉलर देन ए ले ली तो क्या होगा, तो देखो ये कर्व लगभग आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये कर्व स्ट्रेट लाइन दिखेगा मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आएगा ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है ठीक है। तो अब हम लोग का अगला टारगेट वही है ठीक है। तो हमने क्या किया, वहां पे जो चार्ज को लिया था ठीक है, तो ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, तो मैं इस ग्राफ को मिटा देता हूं है ना। तो देखिए अब हमारा अगला टारगेट क्या है, ये हमारा प्लस क्यू था, ये हमारा प्लस क्यू था, हमने इस चार्ज को इतनी सी डिस्प्लेस की, यहाँ पे वाई बहुत छोटा है, एकदम इतनी सी है ठीक है। अच्छा अगर आप इसको इधर की तरफ फोर्स, तो देखो नेट फोर्स इधर, अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिया, वाई इज मच मच लेस देन, तो इसी एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो नेट फोर्स एक्सप्रेशन में थोड़ा बदलाव आएगा, माइनस साइन के साथ, माइनस रहता है ठीक है, मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, कंसेप्ट पे बात करें तो क्या आप प्लस माइनस देखते रहेंगे ठीक है। तो टू के क्यू है ना, क्यू ये वाई। अच्छा एक बात होता, अगर वाई इज मच मच स्मॉलर, तो अगर वाई ए से है छोटा ठीक है, तो अगर वाई ए से है छोटा तो स्क्वायर ऑफ वाई विल बिकम मोर छोटा, और मैंने पिछले क्लास में बोला था मोर छोटा कैनॉट बी एडेड और सॉरी मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद बड़ा, बट समझ में ना, दैट डज नॉट क्रिएट एनी मेजर डिफरेंस, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई जहां ए के साथ एडेड फॉर्म में वहां इग्नोर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में इग्नोर मत कर देना, क्योंकि छोटे नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में भी बड़े रोल प्ले करते हैं ठीक है। तो चलिए हमने वहां वाई को इग्नोर कर दिया, अगर आपने यहाँ पे वाई को इग्नोर किया तो देखो ये इक्वेशन क्या बन गया, ये आ गया आपका ए स्क्वायर है ना, ये आपका आ गया ए स्क्वायर और ये क्या हो गया ए, तो ये बन गया आपका क्यूब है ना। सो ये आपका सीधा रिश्ता आ गया है ना, और अगर आप चाहो तो इस रिश्ते को आप ले आ सकते हो। तो देखो एम और ए आ गया कि नहीं हमारा, ये ए कौन सा, देखो फिर कंफ्यूज नहीं होना, ये मास इंटरेक्शन वाला है ठीक है। तो टू के क्यू क्यू वाई बाई ए क्यूब है ना। सो देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर आप SHM का बात सोचते हो तो ए और वाई के बीच में ठीक है, ए और वाई के बीच में सीधा रिश्ता, ए और वाई के बीच में जो मिलता है वो पैकेज क्या कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो ए डैश इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टू के क्यू क्यू बाई एम ए क्यू इंटू वाई। तो देखो ये है हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन तो ऑलरेडी है। देखो एक बात और याद रखना, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना तो माइनस साइन लगा दिया करो ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो माइनस साइन लगा दिया करो ठीक है, वो सब में कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा नहीं ठीक है। तो मैं कंसेप्ट को समझा ही दिया हूँ ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो पार्ट है ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन और वाई के बीच में जो रिश्ता बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा
स्क्वायर, तो यही रिश्ता आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2KQQ/MAQ। अब बाकी आप आगे सॉल्व कर लेना, है कि नहीं। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ। अब पूरा खेल को समझते हैं, तो एक बार पूरा समराइज मैं कर दे रहा हूं, है ना। तो ध्यान से देखो, तो आप पूरा समराइज कर देता हूं एक बार शॉर्ट में। देखो पहला हमने क्या देखा कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, अगर आप वाई में SHM करवाना चाहते हो तो अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, है ना, इसलिए एक माइनस चार्ज लेंगे, ठीक है। तो वाई में माइनस चार्ज में अट्रैक्शन मिलेगा, तो ये SHM वाई एक्सिस में करेगा। अगर प्लस होता तो सब धक्का मारता, बोलता जा कबूतर जा, और ये कबूतर फिर नहीं आता, उड़ के चला जाता। लेकिन चूंकि ये माइनस साइन है तो सब समझ में, उड़ाने हमने तो उड़ाया लेकिन इन लोगों को बहुत तकलीफ महसूस हुई, तो माइनस साइन के कारण ये वाई एक्सिस में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। देखो एक और चीज, पहला पॉइंट ऑसिलेशन, एक चीज अगर इसको आप कितना डिस्प्लेस करते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वाई आपका ठीक ठाक वैल्यू है तब ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ये इसी के पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर आपकी वाई की वैल्यू मच लेस देन ए है, थोड़ा सा डिस्प्लेस की इतनी सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये SHM परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप ध्यान से देखो, यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आता है फिर उसके बाद घटता है। तो अगर ये दूरी आपने ए लिया हुआ था, ठीक है, तो ये वाई की जो वैल्यू थी वो कौन सी वैल्यू थी, ए बाई रूट टू, और वो कैसे आया था, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम लोग इसको रिंग में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल्स को एंजॉय किया होगा। चलिए, वेरी गुड।